नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रबोधिनी एकादशी यानी कि देवोत्थानी एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है दोस्तों, और इस विवाह को बड़े ही विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत में अवश्य ध्यान रखें कि जब तक संभव हो आप जोड़े से व्रत करें, पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को करें। इस व्रत में कोई खास नियम नहीं होता, आप आराम से फलाहार लेकर इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ये व्रत आप जोड़े से करें और पूरे विधि विधान से शाम के समय आप भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ माता लक्ष्मी माता तुलसी का जो है विवाह अवश्य कराएं। लेकिन इस विवाह को करवाने में कुछ चीज़ें हैं, उनका आप अवश्य ही ध्यान रखें। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी आपका जो तुलसी विवाह है वो संपूर्ण हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखने की, जब आप विवाह करवाते हैं तुलसी विवाह के लिए, तुलसी के गमले को आप घर के आंगन या छत में बीचों बीच रखें। इसको आप किनारे पे वहाँ नहीं रखें, आपको घर के बिल्कुल बीच में रख कर तुलसी विवाह की जो परंपरा है उसको निभाना है। उसके जो जो प्रोसीजर होते हैं उनको कंप्लीट करना है घर के मध्य में रख कर। दूसरी चीज़ जो है कि आपको तुलसी विवाह के समय तुलसी जी को लाल चुनरी जो हो अवश्य ही उड़ानी है। दोस्तों, नॉर्मल डेज में कभी भी तुलसी जी को लाल चुनरी या लाल कोई भी तरह का वस्त्र उड़ाया नहीं जाता है, लेकिन तुलसी विवाह के दिन उन्हें सारी सुहाग की सामग्री आप अवश्य चढ़ाएं और साथ ही लाल चुनरी वह अवश्य ही चढ़ाएं। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली ये है कि जब आप तुलसी विवाह कर रहे होते हैं तो शालिग्राम की जब आप पूजा करें तो चावल न चढ़ा के उसके साथ में आप तिल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन शालिग्राम पे तिल चढ़ाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। पांचवी चीज़ है कि इस दिन आप जो शादी का समारोह विवाह मंडप जो बनाते हैं उसमें आप गन्ने का प्रयोग करें। दोस्तों, भगवान विष्णु के विवाह के लिए आप मंडप अवश्य बनाएं और मंडप में ही तुलसी विवाह वो संपन्न कराएं और मंडप के लिए आप गन्ने का ही प्रयोग करें। पांचवी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह के दौरान आप जो हल्दी यूज़ करते हैं उसको आपको दूध में भिगा कर फिर पूजा में यूज़ करनी है। इससे उसका फल और भी अधिक होता है। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है वो आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की अपार कृपा जो है वो आपको प्राप्त होगी। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और आप अपने चैनल अपना देश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जय श्री हरी।